अच्छा चलो मुझे पहले ये बताओ किराना लाने कौन कौन जाता? जाते किराना लाने? ठीक है चलो क्या क्या लाते किराना में? किलो शक्कर, आधा किलो तेल, शक्कर, घी, छोले। ठीक है बहुत सारी चीजें लाते। वो शक्कर ला लेता। तो क्या बोलते हैं हम लोग किराना लाने के, जैसे शक्कर लाने के हम लोग तो क्या बोलते हैं दुकान वाले? 1 किलो शक्कर, आधा किलो शक्कर। ठीक है हम लोग बोलते हैं 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो। किलो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? शक्कर आती। क्या आती? घनसारी शक्कर आती। क्या होता है मालूम मतलब क्या होता है किलो का? नहीं ना? ठीक है अभी हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग बहुत सारी चीजों को मोचते बराबर नापते हैं हम लोग। तो जो चीजें ठोस होती है जैसे शक्कर, शेंगदाने, पत्थर हुए, लोहा हुआ है ना, और बहुत सारी चीजें रहती है हमारे घर में, जैसे आटा हुआ, हम इसको क्या करते हैं वजन में मोजते हैं। वजन में यानी किलो में मोजते, किलोग्राम में मोजते। ठीक है और जो तेल हुआ, तेल जैसे वो तेल को भी हम लोग किलो में मोजते हैं, मगर उसको हम लोग लीटर में नाप सकते हैं। ठीक है तो हम लोग को बाद में अभी हम लोग देखेंगे जो ठोस चीज होती है उनको हम लोग वजन में कैसे नापते हैं। तो जो इसको नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वो जो है किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तुमने जो बोला 1 किलो, तुम लोग किलोग्राम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को नापने के लिए। ठीक है तो क्या होता है ये देखो तुम, ये जो है वजन नापने की जो है इकाई, क्या है इकाई? इस पे क्या लिखा हुआ है 1 किलो, 1 किलो। ठीक है देखो 1 kg है ना, तो ये 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम जो है ये वजन, अपने जो वजन है इसको नापने की इकाई है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेयारी इकाई बोलते हैं। मतलब कि भाई स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है, मतलब किसी को भी कुछ भी नापना है तो वो किलो में ही नापेगा। कि दूसरे जिसमें पहले नापते थे मगर फिलहाल इसको किसमें नापते हैं? किलो में नापते। कभी तुमने सुने किलो के अलावा सुने क्या हम लोगों ने? नहीं ना सुने दूसरा कुछ। तो किलो में ही हम लोग आजकल जो है कोई भी चीज को नापते हैं, यानी जो ठोस चीज, ठोस यानी कि शक्कर, शेंगदाने, इनकी ऐसी जो चीजें होती है उनको हम लोग किससे नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। हमारा जो 1 किलोग्राम होता है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000। कितने ग्राम होते हैं? 1000 है ना। जैसे कि 1 किलो है ना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते? याद रखना, कितने होते? 1000 ग्राम होते हैं। अब हम 1 किलो का अगर आधा करें तो कितना होगा? आधा किलो होता है। आधा किलो में कितने ग्राम आएगा? 1000 1 किलोग्राम को बोलते हैं हम लोग, तो आधा किलो को कितना बोलेंगे? 500 ग्राम। 1000 का कितना आधा होता है? 500 होता है ना 1000 का। 1000 का आधा करते तो कितना होगा? 500 होगा। तो आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो देखो ये आधा किलो है, जैसे कि 1 किलो इतना बड़ा है तो आधा किलो है ना, तो ये आधा किलो इस तरीके से। अब आधा किलो में कितने ग्राम है? आधा किलो में 500 ग्राम है ना। सुनो फिर से, 1 किलो में कितने ग्राम आते हैं? आधा किलो में कितने होंगे? अगर 1 का आधा कर तो कितना होता है? 1000 के आधा कर तो कितने होंगे? 500 ग्राम। तो ये कितने हैं? 500 ग्राम यानी आधा किलो। अब आधा किलो का हमने और आधा किया, उसको दो टुकड़ों में करेगा तो कितना कितना होगा? 500 का आधा 250 ग्राम यानी 250। ठीक है तो ये आधा किलो है। अब ये है आपका 250 ग्राम, यानी ये 200 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये, इसको कितना बोलते हैं हम लोग? 250 ग्राम यानी पाव किलो। क्या बोलते हैं हम लोग? पाव किलो। सुने ना, बोलते ना पाव किलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पाव किलो। तो ये पाव किलो यानी 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। आधा किलो यानी 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम ना जी। आप 1000 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो यानी 1000 ग्राम। फिर से एक बार, ठीक है 1 किलो यानी 1000 ग्राम, आधा किलो यानी 500 ग्राम और पाव किलो यानी 250 ग्राम।